पड़ता है, ये लोग अनुसूचित जनजाति से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति और एससी एसटी कितना गरीब तबके के लोग होते हैं। तो मैं प्रशासन से ये मांग करूंगा कि कोशिश करें कि जो भी ये चोरी किया है, कम से कम प्रशासन प्रयास करके और चोर तक प्रशासन को पहुंचना चाहिए। हमारी अभी एसपी से बात भी हुई है, आधा घंटा पहले हमारी एसपी साहब से बात हुई, तुरंत बात होने के आधा घंटे के बाद थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ आए, आश्वासन दिए कि हम लोग भी अपने स्तर से पता कर रहे हैं, आप लोग भी पता कीजिए। तो हम आप मीडिया बंधु से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से मांग भी करते हैं, आप सभी से आग्रह भी करते हैं कि इसको आप लोग न्यूज पे चलाइए। ये जो घटना घटी है इससे पूरा परिवार टूट पड़ा हुआ है, क्योंकि 2 साल पहले शादी हुई थी, तीनों चारों बच्चियाँ अपने घर से पहली बार यहाँ पे आई थी, सारे गहना और एक लड़की का और शादी 1 साल के बाद होने वाला था, उसका भी जो भी उसके माता और पिताजी लोग रखे थे गहना गुड़िया, सारा के सारा सामान चला गया, कुछ बचा नहीं है। तो परिवार में बहुत सारा ई हो गया है, सब लोग इधर उधर पड़े हुए हैं। तो हम आग्रह करेंगे कि प्रशासन से मैं मांग करूंगा कि उचित कार्रवाई करे और ठोस कदम उठाए। आपको कैसे पता चला कि यहाँ चोरी हुई है? देखिए, हम अपने क्षेत्र में थे, वहाँ हमें फ़ोन से मालूम हुआ कि नारायणपुर में चोरी हुई, तो हम वहाँ से भागे भागे यहाँ पे आए और आकर देखे सब, जहाँ जहाँ सामान फेंका गया था वहाँ उस जगह का भी हमने जाकर निरीक्षण किया, काफ़ी जगह सामान फेंका गया था। तो हम अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष होने के नाते और लोहार कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष होने के नाते ये प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो भी इस काम को अंजाम दिया है उसके गिरबान तक प्रशासन का हाथ पहुंचे, ये हम मांग करेंगे प्रशासन से। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 7-8 लाख के बीच में नुकसान हुआ है, क्योंकि जितने गहना था, कपड़ा था, कॉस्टली कपड़ा था, पुराने चांदी वगैरह के सिक्का थे, कुछ पैसे थे, एक लड़का जो मैट्रिक और इंटर का उसका सर्टिफिकेट था वो भी सब लेकर चले गए हैं। तो हम मांग करेंगे प्रशासन से उचित कार्रवाई करें। मेरा नाम सुजीत कुमार शर्मा और बुलेट शर्मा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला अध्यक्ष भाजपा सिवान, सह लोहार कल्याण समिति जिला अध्यक्ष सिवान।